वालेकुम, कैसे हैं? कैसे वालेकुम हैं आप सब? अस्सलाम। खैरियत से बिल्कुल होंगे? ठीक ठाक। अरशद आप बताएं, क्या हाल चाल है आपके, कैसे मिजाज है आजकल, बिल्कुल। कहाँ गायब हैं और आप? बस है क्या पता है यहाँ पे कितनी, आप पूरा दिन किस तरह बिजी होता है, आपका भी मेरा भी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। सोचा आज कि बड़ा बड़ा बड़ी प्लानिंग के बाद हम लोग साथ बैठे हैं आज, एक और प्लानिंग के बाद और काफी वीकेंड जो है वो बस सॉरी आपको इतने वेट करना पड़ा काफी। इतने बिजी के वीकेंड पे भी हमें टाइम नहीं मिल रहा था। वीकेंड पे भी टाइम निकालना बड़ा मुश्किल ही आता है। हाँ बस आज मैंने आज सोचा हुआ था कि आज जो है वो घंटा 1.5 घंटा निकालना है कुछ भी करके। तो वो भी 1-1.5 घंटा हमने अपने लिए नहीं, हमने काफी स्टूडेंट के लिए निकालना है, ये भी हमने अपने लिए नहीं निकाला। मतलब कॉमन क्यूरीज कुछ होती हैं स्टूडेंट्स की, वो मैसेज कर करके पूछते हैं, तो अब अलग अलग हर किसी को रिप्लाई करने से बेहतर है कि एक चीज आप एक जगह रख दो ताकि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। बिल्कुल, और आज की मीटिंग का मकसद ही मेरा आज यही था कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे हम लोग आए थे जिस पे तुम यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के बारे में बता देना, हमें यूनिवर्सिटी जनरल के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो यार मेरे पास बहुत सी क्यूरीज आ रही थी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज की अलग अलग रीजन की अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्योंकि डेडलाइन चेंज हो रही होती है और जो उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है उसको ज़्यादा पता होता है। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ जैनवा का मैंने आपको बताया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि यहाँ पे तो पहले प्रोसीजर बताना है पूरा, ठीक है, किस तरह कोई स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, वो किस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में अप्लाई करे, ठीक है। नंबर वन मैंने इसको डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बताना कि यहाँ पे कौन से रीजन की स्कॉलरशिप होती है और स्कॉलरशिप किस तरह अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसमें कितने अमाउंट है, कितने है। थर्ड पे बताना है कि यहाँ पे अकोमोडेशन से रिलेटेड, और फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आता है जो एडमिशन अप्लाई करने से पहले कि वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, ये आता होगा आपके बाद भी किससे। एडमिशन नहीं मेरे हुआ पास लेकिन तो सवाल आता आपको है मैं वो। बताऊं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि नेशनलिटी का क्या सीन है ब्रो, अच्छा, इतना आगे और PR तक पहुंच बहुत जाता जो है ना वो लंबी छलांग लगती है फॉरेन सीधा। तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा आप भाई। स्टेप बाय स्टेप चल दो तो आपको भी समझने में आसानी होगी, मुझे भी थोड़ा इजी होगा एक्सप्लेन करना। बिल्कुल तो ऐसे अच्छा अच्छा आपके PR पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन था कि एडमिशन किन डेट्स के ऊपर जो है वो देखना चाहिए स्टूडेंट्स को और क्या इसका प्रोसेस होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक चीज़ बिल्कुल बताऊँ कि इटली की जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब मैं बैचलर्स डिग्री का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए आते हैं और मास्टर्स ही थोड़ा सा एक रियलिस्टिक प्रोग्राम होता है यहाँ पे, मतलब बैचलर्स भी होते हैं बहुत कम होते हैं और मोस्टली वो इटालियन में होते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत नेग्लेजिबल होती है, यानी ना होने के बराबर होती है। तो मतलब लेट्स जस्ट स्टिक टू मास्टर्स ओनली। तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री तो होनी ये चाहिए बताओ, पाकिस्तान से। अच्छा बैचलर 4 ईयर की या 2 ईयर की भी आ सकती है, हाँ इसको ये ये भी बड़ा बता अच्छा देना सवाल क्लियर किया करना, ये आपने। बहुत नहीं 2 ईयर अच्छा का सवाल है, ये बैचलर कैसे हो बहुत सकता है, दुनिया में कौन सी यूनिवर्सिटी 2 ईयर का बैचलर करा रही है आप मुझे बताओ। मैंने अपने खामों के 4 साल लाए कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान है जो कि 2 साल के बैचलर करार होते हैं, जो कि यूरोप में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे नहीं, मतलब मैं दो अपनी साल का इन्फॉर्मेशन के लिए जो पूछ रहा हूँ पाकिस्तान में कहाँ हो रहा है 2 साल के बैचलर्स, नहीं, आप इंटर के बाद 2 साल का जैसे बीकॉम, ठीक है, तो बैचलर तो और नहीं होता ना, बीएस वो तो बीएससी ये बीकॉम होता है, उसकी बेसिस पे आपको मास्टर्स भी तो नहीं मिल सकता है। मास्टर में नहीं मिल सकता, हाँ होता मैं है ये कह रहा बीएससी था में। कि जो यहाँ पे जो बैचलर्स होता है इटली में वो 3 साल का होता है, तो भारत पाकिस्तान में आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और ग्रेड्स आपके मतलब मैं कहूँगा कि मोर देन एवरेज हो, बिल्कुल भी एवरेज ना हो और बिलो एवरेज में ना हो, मतलब एटलीस्ट आपकी सी जी पी ए अराउंड 2.8 2.93 तो एटलीस्ट हो आप जब अप्लाई करो। और सिर्फ सी जी पी ए का भी गेम नहीं बिल्कुल होता, आपने एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखना होता है, आपने बताना होता है कि भाई क्यों आप अप्लाई कर रहे हो इस प्रोग्राम में, और वो थोड़ा सा जो है ना एक एक सेंस डेवलप होना चाहिए उस वो रीडर के लिए उस चीज़ में, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और दुनिया से हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपका मोटिवेशन लेटर से पूरी एक आपका वो आया था कि आप जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका विजन क्या है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स में, अगर आप एग्जैक्टली मोटिवेशन मतलब लेटर लिख हाँ रहे हैं बिल्कुल, ऐसी। क्योंकि अगर उसके पास 20 एप्लीकेशन हैं और अगर उसने 4 बंदे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करेगा बंदा, अब वो आपके ऊपर है कि ये एक पेज पे आप ये चीज़ कैसे कन्वे करते हो। अच्छा तो ये तो मैंने मोटिवेशन लेटर की, एक मोटिवेशन लेटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर तो एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है। तो अब वो थोड़ा थोड़ी सी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करनी है आपने खुद से जाके, कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुद से भी एक्सप्लोर करनी है।
अच्छा, उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी का एक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपने जो है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है, आपने वो पे करनी होती है, और फिर कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आप अपनी डिग्री अपलोड करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रेफरेंस लेटर भी मांगती हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स, वो आप अपने होम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले सकते हैं। मोस्टली प्रोफेसर दे देते हैं, वो बहुत लीनियंट होते हैं इस मामले में, हर प्रोफेसर ही दे देता है पाकिस्तान में। यहाँ पे थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, मतलब वो आपने अनलेस उनके साथ इंटरेक्ट किया हो पर्सनल लेवल पे, मतलब एक काम किया हो किसी प्रोफेसर के साथ आपने, या कुछ ऐसी आपके साथ उनकी हिस्ट्री रही हो, तो वो देते हैं, वरना यहाँ पे इतना। रिसर्च बेस काम करा हुआ आपने प्रोफेसर हाँ से ना। एग्जैक्टली, तो यहाँ थोड़ा सा जो है ना, मतलब इसलिए ये लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि आप खुद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गए और आप जो है वो मीडिया साइंसेज के प्रोफेसर से आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे हैं, और वो दे भी देते हैं बड़े अच्छे रिमार्क्स लिख के उसमें। तो खैर, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, मेन चीज़ का आपने ख्याल ये रखना होता है कि आपने देखना होता है कि एडमिशंस की कॉल कब ओपन हो रही है। मोस्टली होता ही है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऑनवर्ड्स जो है ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, और फिर ये अंटिल मार्च, अप्रैल, इवन मई तक एडमिशन चल रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो हमेशा चलती है दुनिया में हर जगह पर ये चीज़। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है इसमें। और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं वो मोस्टली इंग्लिश में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंसेज हैं, डाटा साइंसेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और न्यूरो साइंसेज है, काफ़ी सारे ऑप्शन थोड़ी हैं, बात काट डिपेंड थोड़ी करता है आप। बात काट रहा हूँ। दरअसल एक अपना भी बता दो कौन सी डिग्री में आप पढ़ रहे हो। ठीक है अपने ताकि क्लियर हो जाए कि भाई मैं इस डिग्री में आया था तो मुझे इसमें एडमिशन मिल गया था, इसी जीपीए में मिला था वो। ओके ओके, पाकिस्तान से बेसिकली मैंने की थी टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो मेरा जो नेटवर्क्स था, मेरा जो बैकग्राउंड था वो नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस भी था पाकिस्तान में इस चीज़ को। तो मैंने अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंसेज एंड नेटवर्क्स, जो कि मोस्टली कवर करता है कंप्यूटर साइंसेज का एरिया, और कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये वाला जो एरिया है वो सारा कवर हो जाता है इसमें। तो मेरे लिए रिलेटिवली ये डिग्री चूज़ करने का रीज़न सिर्फ ये था कि मैं थोड़ी सी जो है डाइवर्स करना चाह रहा था अपनी अपनी मतलब फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि बिल्कुल कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर्सेज तो मैंने सारे पढ़े हुए थे, और जो कंप्यूटर साइंसेज का जो डोमेन था इसमें वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा थ्रू आउट माई जर्नी। और यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो है वो इज नंबर वन इन इटली इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। वैसे अगर आप कि यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो पूरे इटली में नंबर वन है, क्योंकि इसकी जो है ना कोलैबोरेशन होती थी सेंटाना से पहले। सेंटाना जो है वो एक इटली का जो है नंबर वन इंस्टीट्यूट हुआ करता था, मतलब इवन 2-3 साल पहले तक। तो वो बिल्कुल कोलैबोरेशन अब खत्म हो गई है, लेकिन वो जो प्रोफेसर हैं वो तो वही है ना, उनकी जो पब्लिकेशन है वो तो वही है, तो वो सारी फैकल्टी वही है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो बहुत प्रेस्टिजियस है, तो जब भी जबी यहाँ मतलब पे टॉप यहाँ की जो ऑफ द डिग्री है, यूनिवर्सिटीज ना। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बाय फार तो यहाँ की जो कंप्यूटर साइंसेज है वो शायद पूरे इटली में सबसे बेस्ट है। तो इसलिए जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कंपटीशन भी होता है इस चीज़ के अंदर। चलो ये पॉइंट क्लियर होगा कि किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी डेट को करना है और कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज, मेजर कोर्सेज जो है इंजीनियरिंग के ज्यादा है। मतलब कोई मैनेजमेंट के साइड आना चाह रहा है तो इस तरह के कोर्सेज नहीं है। नहीं सही नहीं इकोनॉमिक्स की तरफ भी लोग आ सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस की तरफ भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, इवन लिंग्विस्टिक्स, आर्ट्स और इस तरफ भी आ सकते हैं, तो काफ़ी सारी ऑप्शन है। वो कहने का मकसद वही ना कि डिपेंड करता है आपने बैचलर्स किस चीज़ में किया हो और आप किस तरफ जाना चाह रहे हो, तो ऑप्शन तो बहुत है। अब आए थे स्कॉलरशिप के ऊपर के कौन से रीजन की स्कॉलरशिप, उसका नाम क्या है पहले तो ये बताना। ठीक है अच्छा, उनकी ये डेडलाइन जो क्या है होती है। बेसिकली, ये जो है वो टस्कनी रीजन है, जो पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा और यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना, ये तीन जो मेनली यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा आईएमटी लूका भी है, फिर उसके अलावा और भी छोटे छोटे टाउन्स हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हैं लेकिन मेनली तीन यूनिवर्सिटीज हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो है वो लाई करती है टस्कनी रीजन के अंदर, जो कि आप अगर रीजनल स्कॉलरशिप, जैसे जो कि हर यूनिवर्सिटी की होती है यहाँ पे, रीजनल स्कॉलरशिप यहाँ पे जो होती है वो डीएसयू टोस्काना होती है। अब डीएसयू टोस्काना डीएसयू अप्लाई टॉप करने के लिए, डीएसयू टोस्काना, डीएसयू टोस्काना अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले तो आपके पास इन तीनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी का लेटर होना चाहिए, एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर। हम मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा को डिस्कस कर रहे हैं, तो चले यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा को ही मैं रेफरेंस बना के कहता हूँ कि इसका आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए। फिर
फिर आपने जाके ठीक डीएससी टोस्काना की पोर्टल पे साइन अप करके आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। वहाँ पे आपने आई गेस अपने पासपोर्ट अपलोड करना है, सिर्फ पासपोर्ट अपलोड करना है, इनिशियली आपने कुछ अपलोड नहीं करना वहाँ पे। उसके बाद आपने तीन डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं पाकिस्तान से, आपका जो भी होम कंट्री है, मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, तीन डॉक्यूमेंट्स आप बनवाओगे। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि फैमिली की कंपोजिशन होती है आपकी पूरी, मतलब एक फैमिली ट्री आप कह लेंगे, फादर, आपकी मदर, सिबलिंग्स, आप खुद। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, वो ये बताता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज, आपकी कोई एसेट्स, मूवेबल एसेट्स या प्रॉपर्टीज नहीं है पूरी फैमिली में, मतलब सबकी इंक्लूडिंग आप खुद। और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है लो इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आप FBR से बनवाते हैं, जो टेक्निकली एक थ्रेशोल्ड होता है अराउंड 12-13,000 यूरोज, उससे कम आपकी इनकम होनी चाहिए ईयरली इनकम। तो वो कॉल आप लोग रीड कर लेना तो वो जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता चल जाएगा, लेकिन उस अमाउंट से ईयरली इनकम आपकी कम होनी चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ है FBR के डॉक्यूमेंट पे, लेटर हेड पे साइंड बाय लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स मेनली आपको सबमिट करने होते हैं एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके, जो तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने ये बनवाने हैं। फिर उसके बाद आपने उसको पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है, फिर हाँ तो आपने मतलब इटली में कोई बंदा चलो ढूंढना है, फिर वो उसको आपने ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा पाकिस्तान एम्बेसी रोम, फिर वहाँ से वो उसको लीगलाइज ट्रांसलेट करवाएगा, फिर वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेतुरा लेके जाएगा, वहाँ से फर्दर उनको लीगलाइज करवाएगा, फिर बाय पोस्ट वो डीएससी के ऑफिस भेजेगा जो आपके सिटी में होगा, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। अच्छा, डीएससी का मतलब आपका जो वीजा भी ऑफिस यहाँ लगा, पे है, आप किशोर के थ्रू भी करा सकते हैं, आप पाकिस्तान में हो भी और आपका वीजा हाँ लगा मतलब नहीं ये है, मैं इस किशोर के केस में थ्रू कह भी रहा हूँ, करा क्योंकि सकते हैं। मोस्टली ये होता है 80-90% लोगों का जो वीज़ा होता है वो काफ़ी लेट लगता है, तो वो डेडलाइंस गुजर चुकी होती हैं सारी। तो अगर आपका वीज़ा जल्दी लग जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अगस्त में चले, आपका वीज़ा लग गया और डेडलाइन है September 4th या 6th, तो आपके पास पूरा पूरा टाइम है, ये आप खुद आके अपने हाथों से ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और ऑप्शन टाइम है, होता अच्छा मतलब खासा। हाँ वो फिर एक अपनी चीज़ इंसान खुद करता है ना, तो वो एक अलग तरीके से आप उस चीज़ को डील करते हो, वरना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है। और मतलब मैं यही कहता हूँ कि अगर आप किसी के डॉक्यूमेंट्स लेके भी जा रहे हो, तो अनलेस के यू आर 100% श्योर के यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ले सकते हो, तो आप कमिट करो, तो आप किसी के डॉक्यूमेंट्स लो। ये स्कॉलरशिप बता दी, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वहां पे कोई किस्म है? इनकी CGPA बहुत अच्छी होती है, इनके हाँ ऐसा अचीवमेंट अच्छी है, होती यहाँ है। पे जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, जो कि रैंडम असाइनमेंट होता है, यानी आपने सिर्फ एक ऑप्शन को यस लेकिन करना उनकी होता सीट्स है बहुत अप्लाई कम करते होती वक्त। वो ये होता है कि बेसिकली है। अच्छा, उसकी उसमें होता फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है और वो रैंडमली मिल जाती है किसी को भी, कुछ लिमिटेड सीट्स होती हैं उसकी, जैसे 5-6 अच्छा, सात मिल भी आती है सीट। पूरे डिपार्टमेंट में, तो वो आउट ऑफ 100-200 स्टूडेंट्स वो 4-5-6 लोगों को मिलती है, और रैंडमली मिलती है वो, कोई उसका क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपकी बहुत नहीं, कोई मिसाल एक्स्ट्रा के तौर पे ऑर्डिनरी अगर प्रोफाइल मेरिट, अगर हो। मिसाल के तौर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइल प्रोफाइल होने के बावजूद ये सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं और आपका नाम नहीं आता उसमें, तो वो नीट बेस्ड के लिए आप अवेल एलिजिबल हो जाते हो ऐसा है हाँ अगर आप या उसका नहीं? प्रोसेस फॉलो करो तो एलिजिबल तो आप बिल्कुल हो जाते हो, अगर आप जैसे उसको अप्लाई करो और सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर लीगलाइज करवा के, और अगर आप सबमिट कर रहे हैं एक उसकी डेडलाइन से पहले, मतलब दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, मेरिट भी नीट बेस्ड। नहीं मेरिट में आपने अप्लाई नहीं करना, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरिट में आपने सिर्फ एक ऑप्शन को यस करना होता है एडमिशन अप्लाई करते हुए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब ये रूल चेंज हो गया है पिछले 1 साल से, कि अगर किसी को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है तो वो DSU भी रख सकता है एट द सेम टाइम, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो बता देता हूँ कि जो DSU स्कॉलरशिप होती है यहाँ पे हमारी, उसके अंदर आपको जो मेनली चीज़ें मिलती हैं वो सबसे पहली चीज़ तो अकोमोडेशन होती है, जो यूनिवर्सिटी की रेजिडेंसीज होती हैं जो असाइन होती हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसकी जो टाइमलाइन होती है वो कुछ ऐसे होती है कि अब क्योंकि हॉस्टल सब थोड़े से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पे पीसा में, तो जो रूम्स की जो अवेलेबिलिटी है वो है अच्छी खासी, ठीक है, तो इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान से नए नए स्टूडेंट्स आए तो हम लोग थोड़ा सा उनको देख रहे होते हैं, जो भी उनके अकोमोडेशन रिलेटेड क्यूरीज हो या कुछ इस तरह का हो। तो इस दफ़ा लकीली जब इवन उनके ऐसा भी हुआ है कि वो अभी लैंड हुए हैं और डायरेक्ट हॉस्टल में उन्होंने चेक इन किया, तो इस दफ़ा जो है अराउंड नवंबर दिसंबर लोगों को हॉस्टल आना मतलब स्टार्ट हो गया। इस दफ़ा अपकमिंग ईयर से एक्सपेक्टेड ये है कि ये इवन और जल्दी हो जाए, कि इवन अक्टूबर से भी जो है लोगों को हॉस्टल्स मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दो रेजिडेंसीज यहाँ पे नई बनी है जो कि स्टार्ट होनी है अभी इस ईयर से। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट होता है वो
यही होता है अराउंड अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है रेजिडेंसेस मिलना आपको। और इन केस अगर आपको रेजिडेंस नहीं मिलती तो आप रेंट कॉन्ट्रैक्ट लेके रह सकते हो, और रेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको 250 यूरो पर मंथ DSU पे करता है जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलता, तो एक पॉसिबिलिटी होती मतलब है इन एनी केस। वो साल के एंड में आपको वो आपको हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के पैसे आपको मिल जाते हैं रेंट कॉन्ट्रैक्ट आखिर पैसे ही। साल के एंड में तो नहीं, लेकिन हर 3 महीने के बाद वो पेमेंट्स रिलीज करते हैं अपने एंड से, तो वो जो जो आपके पैसे होते हैं जो DSU ने आपको पे करने होता है, तो वो हर 3 महीने के बाद वो पैसे आपको मिल जाता है। तो आप मतलब या बाहर रहो मतलब वो कॉम्पनसेट वो हो जाता है यानी कि। तो ये अकोमोडेशन तुमने बता दी ठीक है, स्टिपेंड बता दिया, स्टिपेंड कितना मिलता है ये तो बताओ भाई, जो कि मेन चीज है पूरे 2 साल में स्टीपेंड कितना होगा। जो स्टाइपेंड यहाँ पे मिलता है वो बेसिकली इस दफा अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, और अब ये हुआ है कि इस दफा सेवन जो उन्होंने थाउजेंड अराउंड 1300 कुछ 70 यूरो समथिंग पर इंस्टॉलमेंट इन्होंने जो है वो इस दफा लास्ट ईयर रिलीज की है अभी सितंबर में, अक्टूबर सॉरी अक्टूबर नवंबर में जो इनकी इंस्टॉलमेंट आई है पहली वो 1370 यूरो समथिंग चाहिए। तो उसमें जो है टोटल यानी कि मैं आपको बताऊं तो अराउंड 2600 सम यूरोस। चलो तुमने बहुत अच्छी तरह बता दिया कि हाँ किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी जेट को अप्लाई करना है, उसके अलावा अकोमोडेशन को जो बता, थर्ड चीज रह गई है वो ये है कि जो तो और आपका भी चीज़ हो लंच तो और डिनर क्लियर। होता है। चा मेन्स, हाँ कैंटीन जो मेन्स हाँ, जो है जो वो मेंसा होता है मैं, बेसिकली वो यहाँ पे ये यह होता है कि वो आप इटालियन फूड पे आपको गुजारा करना पड़ेगा, जो आपको शुरू शुरू में 3 4 दिन एक हफ्ता बहुत अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वो आप या तो बनाना स्टार्ट कर दोगे खाना खुद से या फिर आप बाहर से होटल्स पे गुजारा करोगे। चलो तुम खैर खा नहीं वो सकते आप आगे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा उसके बारे में ज़्यादा। आपके ऊपर है, क्योंकि हम लोग तो हलाल ये सब ये देख रहे होते हैं तो भाई हलाल बिल्कुल, आलू खा बिल्कुल जो ऐसा। कि अवेलेबल होता है मिल रहा था मतलब यहाँ पे मार्केट में और हर जगह हर चलो चीज़ मिल जाती है। चलो तुमने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी होंगी, मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको यूनिवर्सिटी पीसा के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे क्यूरियस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई कब अप्लाई करना है, अकोमोडेशन कौन सी है, स्कॉलरशिप का नाम कौन सा है, रीजन टू रीजन चेंज होती है, कितना स्टाइपेंड मिलता है और कौन सी डेट को अप्लाई करना है। तो चलो यहाँ पे आज वाइंड अप करते हैं ओके और चलो अपना ख्याल रखना भाई, इंशाल्लाह ओके फिर फिर चलो नई वीडियो के साथ दोबारा आ सकते, दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे फिर पीसा का टूर भी, पीसा की यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे, आता हूँ फिर मैं तुम्हारे पास। बस बस जल्दी चक्कर लगाओ मेरे पास तुम, चलो और फिर चलो देखो करते हैं प्लान। चलो मैं आता हूँ इंशाल्लाह। फिर भी आप लोग को कोई भी मसला हो रहा होगा, कुछ क्लियर चीज़ें ना हो रही हो तो ये जो आपका लिंक आ रहा है मेरे आपके स्क्रीन के ऊपर, ये कैलेंडरी का लिंक है और यहाँ पे हमसे 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, 30 मिनट की मीटिंग इस लिंक के ऊपर जाके, तो हमसे जितनी भी क्यूरीज हमसे पूछ सकते हैं। तो रखिएगा अपना ख्याल बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस